सत्ता परिवर्तन हुए काफ़ी समय हो गया है और लगातार हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की, जहां पर नागौर का एक मामला सामने आया है। नागौर का मामला ये है कि नागौर का प्रशासन जो है कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। हमारे साथ वहां के एक निवासी हैं जिनसे बात करेंगे, क्या कुछ मामला है, क्या नाम है आपका, पहले तो नाम बताएं। युवा सोशल वर्कर इंजीनियर जी चौधरी, बेसिकली बिलोंग टू सर नागौर। मैं नागौर से बिलोंग करता हूं, सोशल वर्कर के रूप में काम कर रहा हूं, जनता के बीच में काम कर रहा हूं। जो सरकार शासन और प्रशासन के बीच में जनता की जो सेतु बन जाए है उसको पुरजोर तरीके से शासन तक बात को पहुंचाना मेरी मुख्य काम रहता है। क्या मुद्दा है मेन मामला? नागौर का प्रकरण आया एक संज्ञान ग्राम पंचायत का कोई लेके विकास कार्यों को लेके तथा नरेगा मेटों को कर्मचारियों को लेके काम की शिकायत आई थी, मेरे संज्ञान में आया था और मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब को इस प्रकरण के बारे में बताया था पर्सनली। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 5 मिनट में इस प्रकरण को समझ के तुरंत प्रभाव से अपने CMO को आदेश दिया कि नागौर कलेक्टर से रिपोर्ट में ले ली जाए, लेकिन नागौर कलेक्टर प्रशासन बिल्कुल इसके उल्टा हुआ। जिला परिषद का CEO है जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बेईमान ईमानदार बेईमान अफसर निकला, इन्होंने इस काम पर CM साहब को गंभीरता नहीं लिया। तत्पश्चात ये राजस्थान का पहला, मैं आपको ये बता रहा हूँ, राजस्थान का पहला प्रकरण होगा जो माननीय मुख्यमंत्री बनते हुए आज 1 महीना कुछ दिन हुआ, लेकिन पहली बार ये रिमाइंडर लेटर नागौर के प्रशासन के लिए जारी हुआ, जो कि अपने आप में गंभीरता को संकेत देता है कि नागौर के प्रशासन में जो जिला परिषद का CEO है जो CM को नहीं मान रहा है, CM की बातों का उल्लंघन किया है, CM की गंभीरता को नहीं दर्शा रहा है। जबकि दूसरी एक तरफ जब हम CM साहब को देखते हैं, औचक निरीक्षण उनका थाने में रहता है, रेलवे स्टेशन ऊपर रहता है, आम आदमी के बीच रहता है, जबकि प्रशासन का आज तक मैं गारंटी साथ दावा करता हूं नागौर प्रशासन के जिला परिषद की टीम के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार का कोई औचक निरीक्षण नहीं किया, जो अपने आप में यह दर्शाता है कि बेईमान और भ्रष्ट कर्मचारी है जो अंगद की तरह कुर्सी पर पैर जमाए हुए। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? अब ये चाहते हैं कि जिस तरीके से CM साहब गंभीर हैं राजस्थान के हैं प्रशासन को लेकर, आमजन की सुनवाई को लेकर, उसी तरह के प्रशासन को भी अपनी गंभीरता के साथ काम करना चाहिए और पारदर्शिता के साथ कोई भी प्रकरण आया CMO ऑफिस से तो उनकी जाँच त्वरित दिखाई और पारदर्शी इसकी प्रकरण की जाँच हो और CM साहब को इसकी रिपोर्ट मिले, यही मेरी मांग है। और तत्काल जो CEO नागौर ने गंभीरता नहीं दिखाई और अनियमितता पाई है, ऐसे CEO को तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए, उस कुर्सी के लायक नहीं है वो। ये है इनकी मांगे, जो प्रशासन नागौर का है वो सोया हुआ है, उसी को लेकर ये आज BJP प्रदेश कार्यालय पर यहाँ तक पहुँचे हैं इसी मुद्दों को लेकर, जो कि CM द्वारा यहाँ पर एक लेटर भी जारी किया जो कि नहीं किया जा सकता, उसको लेकर यहाँ पर दिखा रहे हैं ये बार बार, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ इन मुद्दों को लेकर जो चीज़ें हैं ये मैं लगातार इन तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये खुद लेके आए हैं जो कि CM द्वारा ये लेटर जारी किया है, तो लगातार देखते रहें महानगर टाइम्स, और भी रोचक आपके साथ जुड़े रहेंगे और बताते रहेंगे। देखते रहें महानगर टाइम्स, सुभाष बैरवा के साथ जयपुर।